तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज है हमारे पास बजाज पल्सर NS200 2024 का मॉडल। हालांकि लॉन्च तो 2023 में ही हो गया था और ये कुछ मॉडल इस तरीके से है। और इस बाइक के बारे में हम पूरा डिटेल में ओनरशिप रिव्यू मांगेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम आती है, क्या ये लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इन्वाइट करेंगे हिमांशु भाई को। ये है हमारे हिमांशु भाई और ये बाइक हिमांशु भाई को डिनोट करती है। तो हिमांशु भाई से पूछेंगे, भाई पहले तो ये बता दो लेनी क्यों पड़ी, मतलब दोस्तों पे क्यों गए? भाई मेरे दोस्तों पे हर किस, मतलब मैं बहुत दोस्तों पे देखी थी। थोड़ा तेज बोलो भाई। मैं ज्यादातर अपने दोस्तों पे देखी थी 125 सीसी। ओके, तो मेरे बचपन से सपना था एक तरह का, मैं 200 लूंगा वरना कुछ लूंगा नहीं। तो मैं पहले गया सर्विस सेंटर, गया जाके मैं देखा मुझे राइड फायर मिल सकती है मुझे। तो चला के मुझे जो वाइब आई ना, बहुत अच्छी वाइब लगी मुझे। अच्छा, तो मैंने कितने रुपए किया, जितने बताया उसने, मैंने भाई कोई दिक्कत नहीं है जितने की भी हो, बट मुझे चाहिए। तो फिर मेरे को लेने के बाद घर वालों को भी अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी। इसका मतलब वो भी नहीं ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, बहुत अच्छी लगी है गाड़ी, कंफर्टेबल भी है। जैसे कोई लंबे सफर पर ले जाना चाहोगे आप तो बहुत फील देती है, मतलब रिलायबल है कि मतलब एवरेज से सब कुछ एवरेज वाला तो बहुत ही ज्यादा। और ये भाई मेरा पुराना वाला मॉडल है, सबसे पहला एडिशन, और ये अब लेटेस्ट एडिशन है। तो सबसे बड़ी चीज मैं पूछूंगा कि ऑन रोड कितने की पड़ी तुम्हें? ऑन रोड ये पड़ी थी मुझे 185,000 की। 185,000 मतलब मोटा मोटा 2 लाख की फाइनेंस तो ही? नहीं, कैश वाले बंदे हैं भाई साहब। तो पहला इंप्रेशन क्या रहा कि मतलब कि मैंने मतलब लेने को तो KTM भी जा सकते थे, KTM वाला ले सकते थे, वो ये वो छपरी वाला लुक में आया था थोड़ा बहुत। अरे यार छपरी राइडर होते हैं, गाड़ियां नहीं होती हैं। ये घर वालों को भी पसंद नहीं थी, और जो वाली मैं फोटो दिखाया घर वालों को, वो थोड़ा एग्रेसिव लगती है ना, तो वो लगता है देर से देखने में ही लगता है कि वो रेसिंग बाइक है। जी वाली मतलब घर की कंफर्ट, ये फैमिली कंफर्ट में आ जाती है, हर कोई चला सकता है गाड़ी को। पापा भी खुश हो गए, घर में सब खुश हो गए, और देख के कलर तो उसका सबसे बड़ा प्यार यार, कलर स्कीम मायने रखती है कि हाँ भाई कलर स्कीम अच्छी। कलर ब्लैक भी था बट मैंने नहीं लिया, उस टाइम दो ही कलर थे हमारे पास। मैं भी ये चाहता हूँ सामने वाला भी ले, तो 200 ले तो 200 ही ले। इसमें 160 सीसी भी आती है, वो आपको 170 के समथिंग पड़ेगी, बट 10-15 मिला के आप 200 ले सकते हो। अब सबसे बड़ी बात आती है, देखो गाड़ी अच्छी है, नो डाउट गाड़ी की प्रोडक्ट अच्छा है, मैं भी चला रहा हूँ, सामने मेरी वाली बाइक भी खड़ी है, प्रोडक्ट अच्छा है। अब बात आती है कि भाई सर्विस कैसी है? भैया सर्विस ऐसे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, एक बार मुश्किल से जो एक बार कुछ नहीं हुआ था, क्लिच प्लेट फूक गई थी, तो सामने वाला सीधे बोल दिए मैंने, चलाने का तरीका बहुत ज्यादा गलत है। मतलब कितने किलोमीटर में क्लिच फूक गई? इसकी फूक गई थी मुश्किल से 20 दिन में फूक गई थी। 20 दिन में ही फूक गई? मतलब मोटा मोटा मान लें 1000-2000 किलोमीटर मान लें। मैंने अभी चला दी थी 1700 किलोमीटर चली। 1700 ना, कि एक दिन का 100 भी मान लूँ तो 2000 मान लेते हैं, 2000 किलोमीटर में क्लच फिट चली गई, फूक गई थी। तो सामने वाला ये कहता है मुझे से कि आपको चलाने का तरीका गलत है बहुत ज़्यादा। और भाई कितना एक्सपीरियंस है तुम्हें गाड़ी चलाने का, कितने साल से चला रहे हो? मुश्किल से मुश्किल मैं अपने यामाहा से सीखा हूं, यामाहा से नट थी। अरे यार लेजेंडरी बाइक से सीखे हो? उससे सीखा हूं मैं तो, कम से कम मुझे अब 6 साल हो गए गाड़ी चला चलाते। ओके, तो 6 साल में तो इतना तो मुझे मालूम है कि भाई 2 स्ट्रोक वाली गाड़ी चला रहे हो, तो वो भी नहीं चला लेता हूं साहब को, मतलब ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं हुआ। मैं दोस्तों की चलाई है, दोस्तों भी ये कहते हैं बहुत अच्छी चलाते हैं बाइक, बट उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने बहुत ज्यादा बेकार चलाई, तो उन पर इतना ज्यादा खिसे आ गया, तो मैं खुश नहीं, अब इस गाड़ी में लाऊंगा मैं आग। अच्छा ला, ये बोल दिया? बोल दिया तो वो कहना सर बोलते क्या बात होगी, हमें बताइए। मैंने सर इनका तरीका गलत था, उसने बोलने का मतलब उन्होंने बोली क्लिच प्लेट का क्या दिक्कत आ गई, क्लिच प्लेट फूक गई है तो उस गाड़ी में मतलब आपका 2-3 हज़ार रुपये लगेगा। ओके सर, 1 महीना हुआ सर गाड़ी को, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हो पाया है, और आपने सर ये कह दिया क्लिच प्लेट फूक गई। ओके, कैसे फूक गई? तो फिर उसका क्या किया इन लोगों ने, मतलब पैसा लिया क्लच प्लेट का? नहीं, वारंटी में तो होती नहीं क्लच प्लेट, बट इन्होंने मुझे थोड़ा समझाया सर, पर ठंडे दिमाग से बात करिए, तो उन्होंने फिर फ्री ऑफ कॉस्ट किया था मेरे लिए। अच्छा, क्लच प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट किया, बोलते हैं वारंटी वारंटी नहीं होती है। नहीं, आप हमारे परमानेंट कस्टमर हो, मैंने याद भी बात बोली थी, मैं लोगों को बोलता हूँ 200 लें गाड़ी है ना, 200 लें कोई नहीं, बोला मेरी गाड़ी में दिक्कत पड़ गई, बोलते कोई ना ऐसा है हम अप्रूवल लेते हैं ऊपर से, तो फिर आपकी गाड़ी को दिखवाते हैं, तो फिर कुछ नहीं, बस 138 रुपये लिए थे। मतलब सर्विस कैसी रही? मतलब ये तो रिलायबल थी, प्रोडक्ट आपकी सर्विस सुन ली, बात सुन ली। हाँ हाँ, बात सुन ली थी, बट बात ये कि आप प्रोडक्ट को बुरा मानोगे या सर्विस को बुरा मानोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर्विस को मानूंगा मैं, सर्विस को ना, प्रोडक्ट बहुत पूरा, तो इतना आगे रानी बना के रखता हूँ इस गाड़ी को। नहीं लग रहा है भाई, क्लीननेस काफ़ी अच्छी, सफाई से रख रखी है गाड़ी वो, नो डाउट। और गाड़ी अच्छी है, मैंने चलाई है भाई, मेरे पास 10 साल हो गए इस गाड़ी को, मेरे पास BS3 एडिशन है, और ये अभी लेटेस्ट एडिशन है E20 का। पावर दबती है यार, कुछ ना कुछ पावर इसमें अब दबा दी है लोगों ने, पता नहीं, मतलब ये भी है बस, अब अच्छी तो है गाड़ी, इसमें कोई शक नहीं है, बस यही है थोड़ा बहुत वो सर्विस पे देखें ना, बस सामने वाले कस्टमर को संतुष्ट करके भेजें, हैप्पी करके भेजेंगे तो और ज़्यादा अच्छी चलेगी। एडवांटेज बता दो अब इसकी, कुछ मतलब 5 चीज़ें कि हाँ ये लेनी चाहिए। पहले तो उसका माइलेज बहुत अच्छा है,
कितना दे देती है? ये 45 का दे रही है ऑन रोड, ऑन रोड दे रही है ये। ओके 45 का दे रही है, पहली बार तो ये है। चलो 40 में मान ले तो फिर भी सही दे रही है। 40 दे रही है तो है, मतलब स्पोर्ट बाइक के साथ बहुत बेस्ट दे रही है, बहुत बेस्ट दे रही है, बहुत दे रही है, बहुत सही दे रही है। और आपके कंफर्टेबल वगैरह भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगा है मुझे। मतलब मैं एक और गाड़ी से गया था, बादशाह वगैरह से जाता हूँ मैं इटावा साइड वगैरह, तो आप ना बहुत ज्यादा थक जाओगे। अच्छा, और इस पे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा, मतलब कंफर्टेबल फील होगा आप। ठीक है, दो हो गए। और तीसरा आप इसमें कुछ भी समझ लीजिए, गाड़ी मतलब दिखने में लुक वाइज बहुत सुपर लगती है ये। हाँ, देखती बड़ी लगती है, थोड़ी बड़ी भी लगती है। और जैसे कि जो KTM वगैरह बाइक वगैरह होती है उनके बगल में खड़ी करो ना तो लगती है कोई बाइक है। व्हाइट कलर में तो और दिख रही है, व्हाइट में तो बहुत तगड़ी लगती है। और दो तीन तो हो गई तो आपके, और इंजन तो इसका बेस्ट है। इंजन तो भाई वो तो ऑल टाइम फेवरेट है। ये भी चीज दे रखी है आपका ABS। अच्छा, ये बेस्ट चीज दे रखी है, पहले गाड़ी में नहीं आता था, पहले नहीं था इसमें ABS। अब ABS से ये है गाड़ी, आपकी स्लिप वगैरह भी नहीं होगी। और USD फोक्स भी डाल दी है, तो सब चीज दे दी, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आपका डिपर वाइज बहुत सही है, बस एक चीज की दिक्कत है इसमें, अगर जो साइड नोटिस की LED वो हेडलाइट दे, बहुत ज्यादा ऊपर दे रखी है वो हेडलाइट, हैलोजन है अभी भी। अगर इसमें LED बल्ब लगा देंगे वो तो आफ्टर मार्क NS वो N में आ रही है, N250 में आ रहा है, वो वाला फर्क आया ना तो बहुत बेस्ट लगेगी इसका। हाँ, ये तो है प्रोजेक्टर जो आ रहा है। और पांच डिसएडवांटेज बता दो। डिसएडवांटेज कुछ नहीं है वैसे तो, गाड़ी अच्छी है, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब डिसएडवांटेज, इस गाड़ी में डिसएडवांटेज होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि भाई 10 साल से इस पे R&D होती रही है और हर बार अपडेट होता रहा है, अपडेट होता रहा है, तो गाड़ी बहुत अच्छी बना दी है। बस थोड़े बहुत जैसे मुझे पर्सनली फील होता है, जैसे एक तो ये गार्ड लंबे वाले कर दें, और डोमिनार जैसे हाई क्वालिटी के कर दें, इंडिकेटर भी थोड़ा चेंज हो जाए, और इंडिकेटर LED करा दें दो, ठीक है। और ये इसमें जो है डोमिनार वाले मेरा डाल दें, तीन हो गए, ठीक है। हेडलाइट तो हमने बताई थी, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। टॉप एंड इसका थोड़ा कम कर दिया गया है कंपनी के अकॉर्डिंग, पहले जो गाड़ी मेरी जाती है वो 160-170 चली जाती है अगर ढंग से अगर आप चला दो तो। हाँ, ये 135-140 पे ही जाएगी, बाकी ऑल ओवर लुक्स तो कुछ इस तरह का है। और ये भाई कुछ इस तरह का ओनरशिप रिव्यू है, तो कूलेंट पहले शुरू स्टार्टिंग से ही है इसमें, 200 में नहीं है वैसे, नहीं है। देखो हम दिखाएं तो ये टेक्नोलॉजी इसी बाइक से उठी थी, ये देखो रेडिएटर, ये रहा, ये 200cc सेगमेंट में सबसे पहले डोमिनार आने से पहले ही इसमें वो किया गया था, तो यही थी जो आई थी जिसने टेक्नोलॉजी को अपडेट किया था। भाई KTM से इतना नाम नहीं हुआ, KTM NS तो बहुत बेस्ट लगी है मुझे। भाई अगर इंडिया में अगर कोई स्पोर्ट्स बाइक का चलन लेके आया है तो वो बजाज ले, बजाज लेके आया है। बजाज ने भाई साहब बहुत अच्छा ही किया है, देखू ना तो बजाज किसी चक्कर में उठ रही हो, कुछ नहीं चल रही है NS, हर किसी के पास चल रही है। NS सीरीज मुझे बहुत बेस्ट लगी है भाई, है ये गाड़ी बस NS और N250 चल रही है और अन्यथा कोई नहीं चल रही है। बस कंपनी ये कर दे कि इनके एक प्रोफेशनल दो या तीन सर्विस वो रखें डेवलपर, जो कहते हैं इंजीनियर बोल सकते हैं या सर्विस मैनेजर कह सकते हैं, जो कि इन चीजों को थोड़ा अच्छे से, क्योंकि पैसा जब वही 2 लाख की गाड़ी ले रहा है तो खत्म कर रहा है, तो मतलब अच्छी मतलब सुनवाई, ऑब्वियसली बात है 2 लाख खर्च कर रहा है तो वो सर्विस में 2-3 हज़ार रुपये आराम से देगा ही देगा, तो ये एक बेनिफिट है कि भाई कंपनी वाले थोड़ा सर्विस पे वो कर दें। बाकी गाड़ी ओवरऑल भाई देख लो एक नंबर है, और कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर देना, बाकी वीडियो कैसी लगी बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर दो भाई, और अच्छी लगे तो भाई आगे शेयर ही कर दो, और पहले सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाकी मिलते हैं एक और अमेजिंग ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाकी कैसा लगा ब्लॉग बताना जरूर, बाय बाय।